मैं इस वक्त चाणक सिरका रामगढ़ जिला के विधानसभा क्षेत्र में खड़ा हूँ और यहाँ क्या समस्याएं हैं यहाँ के ग्रामीणों से सुनते हैं। क्या समस्याएं हैं आप लोगों की यहाँ? सबसे पहले तो रहने की पूरा समस्या है, किसी चीज़ का कोई सुविधा नहीं, तो सिर्फ सिस्टर की तरफ से जो बिजली फ्री मिला है बस वही बात है। और आप लोग कब से यहाँ रह रहे हैं? ये मेरा तीसरा पीढ़ी चल रहा है। तो गांव आप लोग का यही चाणक है? हम लोग का अपना इस पीढ़ी के लिए तो गांव यही चाणक ही है, सिर्फ चाणक बस्ती। हाँ, कैसे रोजी रोजगार का साधन है यहाँ? यहाँ सिर्फ मजदूरी करते हैं, कुछ काम नहीं। तो कमाई धमाई आप लोग का होता है? पेट चल रहा है, तो घर उर्दी। सरकार का क्या क्या सुविधा यहाँ मिला? और आप लोग सिर्फ अभी चावल मिलता है नया, वो भी चालू हुआ है, क्या नाम है। तो नेताजी लोग, यहाँ रामगढ़ में चुनाव है तो नेताजी लोग आए थे वोट वोट मांगने के लिए? हाँ आए, घूम घूम के गए। कौन 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 नेताजी लोग आए? एक बार आए कांग्रेस में भी आए हैं। क्या विचार है आप लोग के मन में, कहाँ वोट देने जाते हैं आप लोग? हम लोग तो कहीं कहीं तो वोट देने ही देना है, हम तो जाएंगे यहाँ कोई विकास तो होगा नहीं, फिर भी अपना वोट तो खाली ले जाने देंगे। कहाँ रहते हैं आप? यहाँ चाणक पे। क्या विकास देखे चाणक में अभी तक? कुछ नहीं। क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ की? पानी का सुविधा, पानी का दिक्कत है, घर का दिक्कत है, बहुत सारा परेशानी है। तो अभी रामगढ़ विधानसभा में चुनाव है, नेताजी लोग कोई प्रत्याशी लोग आ रहे हैं वोट मांगने के लिए? आते हैं, बोल के जाते हैं कि मेरा वोट तो ये करेंगे वो करेंगे, और जितने बाद कुछ नहीं मिलता है। तो कैसा प्रत्याशी चुनेंगे इस बार, वोट देंगे कि नहीं? देंगे वोट। तो अभी कहाँ जा रहे थे, किस सड़क से जा रहे थे आप लोग? चाणक तरफ। और वहाँ पर क्या विकास हुआ अभी तक? कुछ नहीं, सिर्फ पानी आया बस। और क्या चाहते हैं इस बार महिलाओं के लिए, क्या सरकार कुछ की है या जीता हुआ प्रत्याशी कुछ किया, या क्या वादे किए जा रहे हैं अभी तक चुनाव में? कुछ नहीं, सब वादा सब जा रहा है पानी में, कुछ वादा नहीं हो रहा है। तो वोट मांगने के लिए अभी तक आ रहे हैं कि नहीं लोग वहाँ? आ रहे हैं, कैसे नहीं। तो आप लोग का और क्या क्या विकास वहाँ होना चाहिए था? बहुत कुछ, किसी का राशन कार्ड नहीं बनल है, किसी का बहुत जगह पानी का भी प्रॉब्लम है, रोड भी नहीं बनल है, लल्ली का भी प्रॉब्लम है। क्या महिलाओं के लिए जो सरकार काम की है मैया योजना का, उससे क्या आप लोग को लाभ मिल रहा? नहीं। तो क्या कहेंगे अपने, अब की बार जो चुनाव है विधानसभा का कैसे प्रत्याशी चुनेंगे? देखिए। कहाँ रहते हैं? भूली क्वार्टर में। भूली क्वार्टर में क्या कोई विकास का काम हुआ है? कहाँ हुआ कुछ। आप लोगों को सरकारी क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? कुछ नहीं मिलते। तो रोजी रोजगार कैसे चलता है? कैसे, इसी कोयला काठी धोते हैं तो खाते हैं। और वहाँ अभी विधानसभा का चुनाव है तो नेताजी लोग पहुँच रहे हैं? पहुँच रहे हैं। क्या वादा कर रहा उन लोग? अब हम लोग तो इधर रहते हैं लेकिन उतना तो सुने नहीं, सब तो बोल के जाते कि करवा दे वो करवा दे, अब करेगा तभी जाने। और मतदान वोट देने जाते हैं, कितना दूर है आप लोग का वोट का जगह? वो सामने में स्कूल पास। और क्या सरकार से क्या उपेक्षा करेंगे, कैसा होना चाहिए हम लोग का सरकार राज्य में? कैसा होना चाहिए, सब कुछ का सुविधा। मतदान वोट देने जाते हैं? अभी नहीं जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव है आप लोग का यहाँ, तो कितना विकास हुआ चाणक का? कुछ नहीं। तो कब, कितना दिन से यहाँ रहते हैं आप लोग? 40 साल हो गए। तो कैसा देख रहे हैं इस बार चुनाव है, फिर आपको उम्मीदवार लोग मिल रहा है आप लोग से? यहाँ जो है सही से बाहर पर 20-10 घर है, और कहाँ यहाँ पर। आपको सरकारी कोई लाभ मिल रहा है? ना। पेंशन वेंशन मिलता है? नहीं। इस बार कितने बार वोट देंगे, ये कितनावा वोट होगा आप लोग का? मेरा ये तीसरा वोट होगा। तो आप कहाँ, कौन से गांव में रहते हैं? चाणक में रहते हैं, रामगढ़ जिला पड़ता है। तो कितना बदलाव हुआ चाणक में? कुछ बदलाव नहीं बदलते। तो कैसा अब की बार विकास के लिए तो कोई वोट मांग रहा है? ना तो हम लोग का पानी का कोई सुविधा है और ना कोई रोड का सुविधा है, वो कुछ नहीं। और तो ना ही कोई व्यक्ति का कुछ वैसा कुछ अभी तक हुआ है। क्या सोचे हैं इस बार, कैसा लोगों को चुनेंगे कि गांव में रोड बना जाए? सर बहुत अभी तक तो बहुत से लोग आते जाते हैं, आश्वासन देते हैं,
अगली बार आएंगे तो कर देंगे, आज तक तो कभी वैसा हुआ नहीं है। का का समस्या हो यहाँ के? पानी कम, इनके कमी है, कोनो काम धंधा के ना मिले जल्दी। तो सब कमाए उमाए ले कहाँ जाए पड़ो? और नेताजी सब अभी तक पहुँच रहे हैं आप लोग का गांव में? अभी तक नहीं पहुँचे हैं, जीत के मटिया दे जीतता है, कब कहाँ है ना है कोई पता नहीं है। अच्छा, कैसा प्रत्याशी चुनेंगे आप लोग का गांव में ऐसी समस्याएं हैं तो? जो हम लोग को सुविधा को दूर सुविधा करेगा। हम लोग कहाँ रहते हैं? सिरका चाणक बस्ती। क्या समस्याएं आपकी गांव की? हमारे गांव में पानी की उपलब्ध कराया जाए, पानी की बहुत दिक्कत होती है हमारे यहाँ। और हमारे घर के लोग सब रामगढ़ क्षेत्र काम करने के लिए जाते हैं। क्या सड़क है आप लोग के गांव में आने जाने के लिए? आने जाने की सड़क है, बनवाया गया है। कैसा सड़क है? मिट्टी वाला ना है, ढलाई। तो चाणक में चाणक में कितना विकास हुआ है? विकास तो नहीं हुआ है, यही वहाँ भी जो समस्या यहाँ है वही वहाँ भी है, पानी का दिक्कत है। और फिर काम धंधा के हम लोग का घर का सब जाता है रामगढ़ काम करने के लिए। रोड है, मुख्य सड़क है यहाँ आने के लिए? नहीं है, आगे में नहीं है, थोड़ा सा बस्ती में थोड़ा सा अंदर ढुक के सिर्फ बना दिया है वही भर, और आगे में नहीं है उधर। तो नेताजी लोग अभी चुनाव है विधानसभा का तो आ रहे हैं वोट उट मांगने के लिए? अभी तो नहीं ढुका है, ढुकबो किया होगा तो हम लोग को मालूम नहीं है, क्या हम लोग काम धंधा करने चल जाते हैं तो मालूम नहीं है हम लोग के आया है कि नहीं आया। कैसा प्रत्याशी चुनेंगे आप लोग? कैसा जो हम लोग का सुविधा देगा उसी को न चुनेंगे हम। कौन टोला में रहते हैं आप लोग? यही बस्ती है। कौन बस्ती, क्या नाम है टोला का? मावडर बोलते हैं। कौवा बेड़ा है ये? कौवा बेड़ा धारा था। तो यहाँ कितना विकास हुआ यहाँ गांव में? सड़क उड़क है आप लोगों का? क्या क्या कमी है? सब चीज की कमी है। क्या क्या कमी? पहले तो हम इनके खदान खुल के पानी के बहुत तकलीफ हो। जरा माता आप ही है का? बहुत तकलीफ पानी के। और क्या दिक्कत है यहाँ? काम धंधा रोजी रोटी कोई चीज के ना दे है। सीसीएल ने तो घुसे जाती थी तो भगाए दे है। गांव में रोड है पक्का रोड या कुछ भी पीच रोड? तो कितना केच केच ने थोड़ा सा बना है, ये वाला बस्तियां ने घुसेगा तो थोड़ा। कहाँ घर है आपका? कहुआ बेड़ा बेदिया टोला। कितना विकास हुआ आप लोगों का गांव में? कितना है, ज्यादा नहीं है, मतलब 60-70 घर। तो कितना यहाँ पे रोजी रोजगार, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, क्या यहाँ पर सब चीज का सुविधा है कि कोई असुविधा? नहीं है सुविधा, पानी के लिए तो हम लोग गर्मी ने तड़पते हैं, कितना मुखिया को बोले तो कहाँ दिया। और यहाँ पे क्या और सुविधाएं नहीं है? मतलब सब सुविधा है, निकल खाली पानी की दिक्कत है। क्या सड़क उड़क है यहाँ? हाँ, रोड तो दिया है। तो कैसा सड़क है? यही रोडवा है तो सीसीएल में कब्जा किया, सीसीएल इला नहीं बनाता है, मतलब दूरा पास ढलाई कर दिया है। पक्का सड़क है यहाँ पे? हाँ। आप कौन गांव में रहते हैं आप लोग? कहुआ बड़ा, रामगढ़ जिला के। तो आप लोग का कहुआ बड़ा में कितना विकास हुआ? यहाँ पर सड़क, पानी, बिजली सब चीज का सुविधा है? नहीं। क्या क्या समस्या है? पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। और सड़क उड़क है बढ़िया, पक्का उक्का, आने जाने में कोई दिक्कत उक्कत ऐसा? नहीं, इस बार बना है सड़क लेकिन उतना भी खास नहीं है। कैसा सड़क बना? सब कवर्ड रहा है, पीसीसी है। तो गांव में सड़क बना है ना। मुख्य सड़क कैसा है यहाँ का? मुख्य सड़क अच्छा नहीं है, यहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे कब से, कितना दिन से विकास और भी होना चाहिए था? क्या क्या विकास होना चाहिए? विकास कुछ नहीं हुआ, पानी बहुत ज़्यादा समस्या है, स्कूल बस बच्चों को जाना होना बहुत दिक्कत। कितना आबादी आप लोग का गांव का? आबादी यहाँ टोटल बहुत 1200 है। और आप जनसंख्या कितना है? जनसंख्या होगा, कैसा प्रत्याशी को चुनेंगे आप लोग का? यहाँ में यही समस्या है कि पानी नहीं है, इलेक्शन सिस्टम आता है नेता लोग कि पानी हाँ हो जाएगा, हाँ बात कर ले, हो गया, पानी तो मिलना है नहीं। आई हमारा लगता है कि 15 साल से पानी नहीं यहाँ पर है। कहाँ जाते हैं पानी का जो जरूरत? पानी का नदी है, कितना दूर है नदी यहाँ से? करीब 2 किलो 2.5 किलोमीटर।
तो वहाँ से ही माने नहाने धोने का या पीने का नहाने सब गाड़ी गाड़ी खरीदते हैं और फिर वही बोतल पानी जो आता है। तो यहाँ पर जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है और जो भी और भी सुविधाएं जो सरकार दे रही है वो क्या सब आप लोग को मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। कितना दिन से इसके लिए तड़प रहे हैं आप लोग? देखिए हमारा उम्र देख लीजिए कितना साल हो गया। और नेताजी लोग अभी आ रहे हैं वोट उट मांगने के लिए आप लोग का टोला में? अभी तो नहीं घुसल है, एकदम खाली प्रचार गाड़ी घुसता है। हेमंत सरकार में कितना विकास हुआ आप लोग का गाँव का? कितना विकास रहेगा? महिलाओं के लिए कुछ काम हुआ गांव में? कुछ नहीं। तो क्या अब की बार जो विकास का बात हो रहा है आप लोग का गांव में क्या क्या और कमी रह गई जिससे लोगों को जूझना पड़ रहा है? हम लोग के दिक्कत हो रहा है कि पानी का जो उधर है मैथी दूसरे वाला थी महिला थी में तो उन लोग के लाइट है। हम लोग के देखिए हम लोग के बोल रहा था कि अगले वाला में सुनीता चौधरी आया था कि नहीं सो लाइट हम लोग आप लोग के थी में दिलवाएंगे। कैसा प्रत्याशी चुनेंगे? कैसा अब चुनिएगा हम लोग के थोड़को नहीं थी पता। कितना विकास हुआ आप लोग का गांव में? कितना काम हुआ सरकार का? कहाँ कुछ काम ले। कौन टोला में रहते हैं आप? हम इन बीच टोला में कौवा बेड़ा। तो ये रामगढ़ विधानसभा का अंतिम छोर है पश्चिम दक्षिण क्षेत्र का, तो यहाँ सभी सुविधाएं आप लोगों को गांव में मिलती है सरकार का? मिला है तनी मनी। तो क्या क्या सुविधाएं नहीं मिलती है? क्या मिले है? राशन उशन मिले है क्या मिलता है? और यहाँ पर बिजली पानी सड़क व्यवस्था सब कुछ सही है? बिजली तो यहाँ सीसीएल वाला दिले है। और पानी उनी हम इनके नहीं मिलल। पानी नहीं मिलल। पानी हम इन नदी से अपने पानी जोड़ के लाइन के आर पिए। और कोई उससे कोई बीमारी उमारी हो जाती है क्या? मुड़ियान वो ही खिलाना है। कितना कैसा प्रत्याशी चुनना चाहेंगे इस बार चुनाव हो रहा है? नेता सब तो आवा हथिन कि अबरी पानी घुसा देवो तो ईटा देवो टूटा देवो तो देवे नहीं कर वोट आवा है वोटवा मिल जाए ना जीता हथिन बुला जा। रामगढ़ में विधानसभा चुनाव है आप लोग के गांव में कितना नेता जी लोग आए? नेता आए मगर कुछ नहीं करे। तो क्या बोल रहे हैं वो लोग आप लोग से? आप लोग का अपना मर्जी वोट देते हैं मगर ऐसा नहीं है कि हमें मर्जी वोट देते हैं। कितना विकास हुआ गांव में आप लोग का? विकास कारण राशन उशन मिलता है यार कुछ नहीं है सब की। और क्या क्या कमी है यहाँ? पानी कमी है ये है सब कहाँ कोची है ये ना है कुछ है बेनगर है खेती बाड़ी सब तो खरीदिए खाते हैं। कौन टोला में कहाँ रहते हैं आप? मैं इस वक्त कौवा बेड़ा क्षेत्र में खड़ा हूँ, कौवा बेड़ा गाँव में जो रामगढ़ विधानसभा के बिल्कुल अंतिम छोर में आता है। और यहाँ की सड़कें जैसे देख रहे हैं आप गाड़ियाँ क्या चल रही हैं, किस सड़क से गाड़ियाँ आ रही हैं सड़क को दिखाना चाहूँगा। मट्टी युक्त सड़क है ये, कोलियरी खदान की सड़क है जो ग्रामीणों को दिया गया है आने जाने के लिए। विकास का सड़क यहाँ कितना दूर तक पहुँचा, कितना पक्का सड़क पहुँचा है इन तस्वीरों को देख कर के आप लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग इसी सड़क से आना जाना करते हैं। और यहाँ जो है ये जो सड़क है इस रास्ते से होकर के लोग अपने टोले में जाते हैं। यहाँ कौवाबेड़ा में कई ऐसे टोले हैं, बेदिया टोला, महतो टोला, प्रजापति टोला, इसी सड़क से लोग आना जाना करते हैं। बरसात में काफ़ी दिक्कतें होती हैं जैसा कि महिलाओं ने ग्रामीणों ने बताया। और ऐसे ही विकास और इसी वादों को लेकर कई बार इनको वादा भी किया जाता है चुनावी माहौल में प्रत्याशियों के द्वारा। और इन्हीं सब बातों को लेकर के जो है अब की बार जो है यहाँ लोग अपना मतों को रामगढ़ विधानसभा के चुनाव में डालेंगे 20 अप्रैल को। मैं रविकांत 22 स्कोप के लिए रामगढ़ से।